प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं SCO मीटिंग के लिए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर मुजफ्फर चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत जी। अब पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मीडिया हमारा एक्साइटेड है और इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। PTI वाले ने बोला है कि जी जयशंकर जी हमारे एहतजाज को एड्रेस करें, जो एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर PTI की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जी जयशंकर जी वहां पर, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई अगर बचा सकता है इस वक्त, तो उनको यही लग रहा है कि जयशंकर जी अगर आएंगे तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाए। पहले ये एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयशंकर जी ने वो देख ली। I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month. And that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state. One of us, it changes, usually one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. So I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such. And I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो मेरे जेम्स बॉन्ड है। मैं जब अजीत डोवल जी को और डॉक्टर एस जयशंकर जी को मैं देखती हूँ ना, जब मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत पास से भी देखा है, तो मुझे एक अंदर से ना अजीब सी एनर्जी आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी से भी जीत सकती हूँ, पर अपनी बातों को पूरे फैक्ट तरीके से एकदम मुंह फट हो करके मैं बोल सकती हूँ। इन दोनों को देखने के बाद मुझे एक अजीब सा एनर्जेटिक फील होता है, एक अजीब सा करिश्मेटिक फील होता है। तो मुझे, मैं इस भारत के इतने बड़े आबादी वाले देश में मैं वो लकी लड़की बेटी हूँ जो मैंने इनको बहुत पास से देखा है और सामने से बैठ करके सुना है। तो आई एम द लकीस्ट वन। डेफिनेटली बहुत क्लियर कहा है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ख्याली पुलाव बनाने में बहुत महारत रखता है। उनका पुलाव और बिरयानी बन भी चुका होगा कि हम भीख भी मांग लेंगे। इमरान खान सोच रहा होगा कि हम अपनी रिहाई भी करवा लेंगे। ब्लोच सोच रहा होगा कि हम यहाँ पर भी कुछ करवा लेंगे। सिंध सोच रहा होगा कि हम यहाँ पर भी कुछ करवा लेंगे। रावलपिंडी सोच रहा होगा हम यहाँ पर भी कुछ करवा लेंगे। बट एक्चुअली में मैं जो ये इंक्विजिटिवनेस आ रही है पाकिस्तान के लोगों के अंदर, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर अंदाज में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने क्लियर किया है कि वहां पर SCO की मीटिंग, जो SCO समिट टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन अक्टूबर 15 एंड 16, जो वो उसको सिर्फ अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। अब उसकी भी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि भारत ने आज तक कभी भी अपने किसी भी समिट को
कैंसिल नहीं किया है या इग्नोरेंट बिहेवियर नहीं किया है, नहीं रखा है। और अगर ऐसे सिचुएशन में एससीओ समिट को अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी का जाना तो बहुत ही जरूरी था। अब क्योंकि एससीओ समिट में रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, और क्योंकि हमारा रिलेशन इन सारे देशों से बहुत खूबसूरत है और हमारा बायलेटरल और ट्रीटी का रिलेशन बहुत खूबसूरत है, तो वहां पर किसी चीफ सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर के किसी चीफ सेक्रेटरी को भेजना ठीक नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भेजा जा रहा है। तो अगर आपके पाकिस्तान का भीखमंगा वजीर आजम अगर ये सोच भी रहा है एक सेकेंड के लिए कि कुछ भीख भीख मांग लेगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। द सेकेंड थिंग इज कि मैंने सुना कि पाकिस्तान को बहुत आपत्ति है कि हम कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे। तो मैं अभी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंदाज में बता देती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर घर में घुस करके गरिया कर आएंगे और बहुत ही खरी खोटी सुनाकर आएंगे। अब आती है बात कि अगर रिसेंटली मुजफ्फर भाई यूनाइटेड नेशन में हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट अगर सबको याद होगा, तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ लफ्जों में यूएन में अपने स्टेटमेंट को रखा था कि पाकिस्तान की जीडीपी क्यों पूछते हो भैया, कहां पहुंची, रिड्यूस किया या इंक्रीज किया, ये पूछो कि पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म कितना बढ़ा है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जीडीपी पर भरोसा नहीं करती है बढ़ाने पर, रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म बढ़ाने पर ज्यादा भरोसा करती है। और अभी आपने कारपेट बिछाया भी भगोड़े और आतंकी जाकर नायक के लिए, तो भाई सारा कचरा एक ही जगह तो है। इसीलिए मैंने पाकिस्तान का नाम ना पाकिस्तान रख दिया है और इन फ्यूचर वो कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2015 में सुषमा स्वराज जी ने विजिट किया था और उसके बाद 2024 में डॉक्टर एस जयशंकर विजिट कर रहे हैं, पर ना ही डॉक्टर एस जयशंकर पूरी भूलेंगे, ना ही ये भारत भूलेगा, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर 1989 से 1994 तक में जो जेनोसाइड नरसंहार हुआ था कश्मीरियों का हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो भूलेंगे, ना हम भूलेंगे, ना हम 26/11 भूलेंगे, ना हम 93 बॉम्ब ब्लास्ट भूलेंगे, और ना ही सितंबर 2024 में जिस हिसाब से टेरर इंसिडेंट 44 क्रॉस बॉर्डर पर हुआ था, 18 सिविलियन डेथ हुए थे और 23 सिक्योरिटी फोर्सेस को की कैजुअलिटीज हुई थी, वो भी हम नहीं भूलेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान ने ओपन न्यू थ्रेट किया था मिलिटेंसी का जम्मू रीजन में, तो पाकिस्तान ने बैंक रोल्ड खालिस्तानी टेररिस्ट को समर्थन किया था। तो ये सारी घटनाओं को, अजमल खसब को, याकूब मेमन को, बुरहान वानी को, यासीन मलिक को, लश्कर ए तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, अलकायदा को, हजबुल मुजाहिदीन को, ना हम भूले हैं और ना ही डॉक्टर एस जयशंकर भूल सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान 0.1% भी ये चीज सोच भी रहा है कि यहाँ पर इसलिए वो आ रहे हैं कि हमसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, तो ना ना ना, बिकॉज एससीओ की मेंबरशिप हमारी हमेशा बहुत खूबसूरत रही है, बहुत इफेक्टिव रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो इसीलिए वहां पर डायरेक्ट डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जो बाकी देशों के जो एससीओ समिट के मेंबर जो आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, उनके साथ वो और अच्छे रिलेशंस के को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ मेंटेन करने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। द सेकेंड थिंग इज कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं 15 और 16 का कि डॉक्टर एस जयशंकर का करिश्मेटिक, डायनामिक, एनर्जेटिक जो वो पाकिस्तान को सुनाकर आएंगे, वो हमको, हम सुनने के लिए तरस रहे हैं। और रही बात घर में घुस के मारने की, वो तो मारेंगे। अच्छा, कोई ऐसा काम हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया कुछ बताए कि जी ये इकदाम पाकिस्तान करे या पाकिस्तान की तरफ से ये वाले काम हो जाएं, तो रिलेशन के ऊपर भी बात हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसा क्या डिमांडिंग अगर देखा जाए तो सरकार को तो भीख मांगने की आदत है, भीख मांग के देख लेगा पर मिलेगा कुछ भी नहीं। इंडिया अगर पाकिस्तान क्या करे तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं।
टेररिज्म छोड़ दें, ये बात तो हमारे मोदी जी ने कहा है, साफ कहा है कि जो देश भी टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पालेगा पोसेगा उस देश के साथ भारत नहीं खड़ा है, बिल्कुल नहीं खड़ा है। और आप देखो ना, इसराइल के साथ भारत की दोस्ती कितनी खूबसूरत है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ खराब नहीं है भारत की दोस्ती, नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन में जो कोई भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रोटी बोटी दे रहा है, उसमें इसराइल के साथ भारत ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको खत्म कर दो, ये इसको म्यूचुअल कर लो, भारत नहीं कर रहा है। क्योंकि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट खत्म करना हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो डे वन में कह दिया था, वन अर्थ वन फैमिली, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, जीरो टॉलरेंस, हम किसी भी हालात में टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हम समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नाजिया बहन, ये लुबना जी हैं, ये इनके जो फोर फादर्स थे वो उनका तल्लक इंडिया से था, और जो इनके फादर और मदर हैं उनका तल्लक पाकिस्तान से, अब ये बरतानिया के अंदर हैं, और जिस तरीके से आप बात करती हैं सेम उसी स्टाइल के अंदर ये वहां पर बात करती हैं, ये समझे कि ये इंग्लैंड की शेरनी है, आप भारत की शेरनी है। हेलो, नाइस टू मीट यू टू। हाँ, आपने बोला मैं फॉरेन आ जाऊं, तो मैं फॉरेन आई हूं। जितनी जल्दी बच्चों को मैंने सेटल करके मैं दौड़ के आई। मैं चाह रहा था कि दो शेरनियां मेरे दाएं और बाएं, दो शेरनियां हों और मैं दरमियान में बैठा हूं, तो आप जरा आपस में जरा थोड़ी सी गपशप लगा लें, अपने बारे में जरा नाजिया जी को बता दें। लुबना जी, मैं लुबना को ये बात जरूर कहना चाहूंगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 33 मिनट्स, तो मैं लुबना को जरूर कहना चाहूंगी कि लुबना, यू कैन इनवाइट मी पर्सनली विथ अ वेरी डायनामिक टॉपिक, विथ अ वेरी करिश्मेटिक टॉपिक, एंड वी विल कन्फ्रंट, वी विल डिस्कस, वी विल चिट चैट प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली। चले, बहुत शुक्रिया। देखिए आप, ये मैं आपका ये समझे कि मेरी वजह से आप दोनों की एक नेक्स्ट जो है आगे बातचीत चलती रहेगी, तो आप इनका चैनल, आप चैनल देखिए इनका, बहुत जबरदस्त बात करती हैं, बहुत ही खुल के बात करती हैं, और लुबना के शक्ल से, फीचर से भी मुझे समझ में आ रहा है कि बंदी दहाड़ती होगी। और जैसे आपको धमकियां मिलती हैं, सेम वैसे इनको भी धमकियां मिल रही हैं वहां पर। बट शी इज वेरी लकी ना, इंग्लैंड में बैठी हुई है। अरे भाई, यहाँ पर भी बहुत ही अजीब किस्म के सब पागल आ चुके हैं, इसी वजह से मुझे भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये ना किसी को रिस्क लेना खामखा में ऑफ कोर्स अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं औरत भी हूँ, मैं सिंगल पेरेंट भी हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मगर बात ये कि हालात यहाँ पर इतने खराब हो चुके हैं कि अब अगर आप नहीं कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझे ना, हमें खुद नुकसान होगा ना फिर, क्योंकि रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है पाकिस्तानियों की भी और मुसलमानों की भी यूके में, और जो बाकी के सारे जो मुल्क हैं यूरोप के वो यूके की तरफ देख रहे हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, तो और यहाँ पर काफी हालात खराब हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप अपनी आवाज उठाएं, कुछ सही बात भी कर रहे हो, तो लोग धमकियां देते हैं, मगर मैं उसको ये समझती हूँ कि सिर्फ कमजोर लोग धमकी देते हैं, क्योंकि जो सही लोग हैं उनको धमकी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही बात कर रहे हैं। इसी वजह से मैं भी बात करती हूँ, इसी वजह से आप भी बात कर रही हैं, कि आपको पता है आप सही चल रही हैं, सही बोल रही हैं। लुबना का नंबर मुझे शेयर कीजिएगा मुजफ्फर भाई, और हम लोग मंडे या ट्यूसडे डेफिनेटली, क्या हो रहा है इंग्लैंड में, इवन आई एम सो मच इंक्विजिटिव नाउ कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है, तो जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं वही चीज, और मुझे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार कनाडा में भी ये लोग हरकतें करें, हमें समझ, हमें पता नहीं था ये पूरी दुनिया में बदनाम है ये लोग, तो मेरा चैनल देखते हैं तो नॉर्मल लुबना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जहां भी रहेगा, ये अपने देखो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज हो सकता है इंसान का, तो इनका भी कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, इनको हम अपने से दूर रखें तो ज्यादा बेटर होगा, मगर हम जितना भी दूर रखें वो लोग बार बार हमारे तरफ आ रहे हैं, तो अब हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं ना, अवॉइड नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और डेफिनेटली बहुत खूबसूरत टॉपिक है लुबना के पास, और मैं चाहूंगी कि मैं लुबना के साथ जरूर मंडे या ट्यूजडे बैठूं, और हम कनाडा पर और इंग्लैंड पर और अभी जो इसराइल में हो रहा है उसको लेकर के हमें खूबसूरत कन्फ्रंटेशन और डिस्कशन करें।
अच्छा, और नाजिया जी ये बड़ी बात है कि ये कहती है कि जी मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, हालांकि एक दफा भी इंडिया नहीं आई, एक दफा भी इन्होंने विजिट नहीं किया, कह रही कि मुझे इंडिया पसंद है पाकिस्तान से ज्यादा। अब ये वजह पता नहीं क्या है कि बगैर देखे किसी से प्यार हो जाना, ये तो वही बात है। मैंने भी आज तक ब्रैड पिट को नहीं देखा है, पर मैं इतना मोहब्बत करती हूँ कि अभी मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। देखिए मेरा जो है ना बात ये है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जो पार्टीशन हुआ था तो वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे, तो हम लोग पहले से पाकिस्तान में नहीं थे, तो मेरे जो हेरिटेज है वो तो इंडिया की ही है, उत्तर प्रदेश की है। तो मेरा जी तो मेरा फील होता है, मुझे काफी लिंक वहीं से फील होता है और मुझे पाकिस्तान से मुझे कुछ भी फील नहीं होता, हालांकि मैं इतनी दफा गई हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है मुजफ्फर भाई कि हम किसी चीज को अगर कभी नहीं देखें तो उससे मोहब्बत ना हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार लाइव पर कर रही हूँ कि मैं ब्रैड पिट से इतनी मोहब्बत करती हूँ पर कभी नहीं देखी हूँ। फीलिंग ऑफ कोर्स एक होती है एंड टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी ने अपने नाम इतना खराब करा हुआ है पूरी दुनिया में और मुझे कभी खुशी नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट ना पाकिस्तान जाके ना पाकिस्तानियों से मिलके। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अच्छे लोग नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को खुद अपनी ऊट पटांग हरकतों से निकलना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना मुल्क खराब नहीं कर रहे ना अपने मुल्क का नाम, ये लोग बाहर के मुल्कों में जाके भी वही गंद मचा रहे हैं कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से। तो ऑफकोर्स ऐसे थोड़ी चल सकता है, हम लोग सब क्यों बर्दाश्त करें भाई। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ एस जयशंकर साहब की बात की बल्कि पाकिस्तान को भी लपेटे में ले लिया और पाकिस्तान को भी जम के धोया और साथ में एंट्री हुई लुबना जैदी की। तो हम इंतजार करेंगे कि जल्दी नाजिया खान और लुबना जैदी के बीच में एक जबरदस्त डिस्कशन हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।